फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के जो वीडियो होने वाला काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बात करने जा रहा हूँ जो कि मैच होने वाला है आज शाम 7:30 बजे, उसके बारे में बात करेंगे जो कि खेलने वाला है एटीके और हैदराबाद एफसी। दोनों टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम है, तो बात करेंगे भाई कौन जीत पाएगा, सब कुछ बात करेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा। अगर आप आईएसएल का फैन हो या फिर आप एटीके या फिर हैदराबाद की फैन हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम देख लेंगे लाइनअप क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई जीतने के चांसेस कौन सी टीमों के पास ज्यादा रहेगा, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो कि बैकग्राउंड है मैंने चेंज कर दिया, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे बताना एक बार जरूर। तो फिर अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एटीके की लाइनअप। तो फिर एटीके का लाइनअप जो ज्यादा चेंज नहीं होने वाले, तो ऐसे में अगर देखा जाए जो कि गोलकीपर में होने वाला है अरिंदम भट्टाचार्य, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर बोला जाता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसे में अगर बात करें जो कि डिफेंसिव के बारे में अगर बात करें, जो कि माइकल सोसाइरास एक बहुत अच्छा प्लेयर है और जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है। वही अगर बात करें, मुझे लगता है जॉन जॉनसन खेलने वाला है, उसी के साथ साथ एम से हाक, और अगर बात करें प्रीतम कोटल खेलने वाले, हर एक प्लेयर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर है। वही अगर बात करें मिडफील्ड के बारे में, तो मिडफील्ड में होने वाला है प्रणय होल्डर, जो कि एक अच्छे प्लेयर है, और उसी के साथ साथ अगर बात करें जयेश रैना, एक बहुत अच्छा प्लेयर है। बात करते हैं एटिंग लाइनअप के बारे में, और एटिंग लाइनअप अगर देखें जो कि डेविड विलियम्स और जावी हर्नांडिस और प्रवीर दास, तीनों प्लेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर बात करें स्टेगर के बारे में, यानी कि फॉरवर्ड जो प्लेयर है वो होगा रॉय कृष्णा, जो कि एक अच्छे प्लेयर है। तो फिर एटीके की लाइनअप जो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाले, मुझे लगता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होने वाले, क्योंकि एटीके के पास इससे अच्छा प्लेयर तो है ही नहीं, तो भाई कौन किसको लाए, तो मुझे लगता है यही होने वाला है एटी का लाइनअप। अच्छा सर, अगर बात करें हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद एफसी भी एक बहुत अच्छी टीम बन चुका है। हैदराबाद एफसी के पास भी अच्छे अच्छे अनुभवी प्लेयर है, तो मुझे लगता है ये जो टीम है काफ़ी अच्छा खेलेगा आगे जाके। तो फिर ऐसे में अगर बात करें हैदराबाद एफसी का जो गोलकीपर होने वाला है वो होगा कमरजीत सिंह, जो कि एक बहुत अच्छा गोलकीपर है। वही अगर बात करें डिफेंसिव लाइन के बारे में, जो कि होने वाला है आदिल खान, राफेल गंज, और बाकी अगर बात करें गुरजीत सिंह और साहिल पनवार, जो कि काफ़ी अच्छे लाइनअप है। और ऐसे में अगर बात करें, मुझे लगता है जो कि राफेल गोमेज है, ये तो एक फॉरनर प्लेयर है, काफ़ी अच्छा खेलने वाला है, और जो कि डिफेंसिव लाइन काफ़ी मजबूत बनाने वाला है ये प्लेयर। वही अगर बात करें मिडफील्ड के बारे में, तो ये जो लाइनअप है 4-1-4-1 की हिसाब से मैंने बनाया। और मिडफील्ड के बारे में अगर बात करें, जो कि नेस्टर गार्डिलो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, तो ये जो मिडफील्ड में होने वाले जो कि एक फॉरनर प्लेयर है, तो काफ़ी अच्छा खेलने वाला है। बाकी अगर बात करें जो कि एटैकिंग लाइनअप होने वाले, वो काफ़ी मजबूत मुझे लगा एटैकिंग लाइनअप। सबसे पहले बात करें दीपेंद्र नेगी, जो कि मुझे लगता है अंडर 19 या फिर अंडर 20 की जो कि टीम इंडिया की कैप्टन रहा, जो कि बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। वही अगर बात करें मार्सिलियनो, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि ये भी खेलने वाला है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, जो कि एक फॉरनर प्लेयर है। अगर बात करें नेक्स्ट जो प्लेयर आ जाते हैं वो है लालडन माबिया राल्टे, जो कि शायद मणिपुर की प्लेयर है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद मणिपुर की प्लेयर है, लेकिन खेलते काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसी के साथ साथ अगर बात करें और जो एक प्लेयर आ जाता है वो है गाइलेस बार्नेस, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, जो कि एक फॉरनर प्लेयर है। बात करते हैं स्टेगर के बारे में, तो स्टेगर जो मुझे लगता है बोबो होने वाला है। बोबो एक बहुत अनुभवी, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे जो प्लेयर है, तो भाई काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वो और वो जो स्टेगर होने वाला है। तो फिर अभी हम बात करते हैं भाई कौन जीत पाएगा। फिर अगर देखा जाए लाइनअप के बारे में, तो दोनों लाइनअप काफ़ी मजबूत है। तो फिर ऐसे में अगर देखा जाए, मुझे लगता है जो कि हैदराबाद एफसी है, उनके पास चांसेस रहेगा 60%। वही अगर बात करें एटीके के पास 40% चांसेस रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए एटीके इससे पहले भी उतना अच्छा खेल नहीं दिखा पाई, यानी कि हारा। और ऐसे में अगर बात करें एटीके को थोड़ा अच्छा खेलना होगा, जो भी है खेल की बात हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी वीडियो था सिर्फ एक प्रेडिक्शन था। तो मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो में। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक लोगों की जरूरत है, चाहे किसी भी वेबसाइट के लिए, अभी किसी भी कारण आपको एक लोगों की जरूरत है, नीचे एक ईमेल आईडी है, वहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको कम प्राइस में लोगों मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं और एक लेटेस्ट वीडियो में। और आपको क्या लगता है भाई कौन जीत पाएगा, नीचे कमेंट पर एक बार बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।